दैट इज या रोटी कपड़ा मंगा मकान महंगाई। अब आप इसको बार बार कहोगे ना पिछली हुकूमतों में, ये तो पिछले पीपल आर सेइंग भाई प्रॉब्लम्स, हमारे मसले का हल ये नहीं है कि आप तकरीर अच्छी करते हैं। मैं अपनी भी बात करता हूँ, मसले का हल आपको एड्रेस करना है। यू हैव टू ब्रिंग रेवेन्यू। फैमिली बेस्ड लीडरशिप चल रही है जो हमारी ज्यादातर पीपल्स पार्टी है, नून लीग है हमारी। कुछ सिस्टम बेस्ड लीडरशिप है, फौज एक सिस्टम है। सिस्टम इज सॉवरेन देन द पीपल। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं तो सबको, मेरे लिए तो बायसे इज्जत और बायसे तकरीम सारे इदारे। पॉइंट यहाँ पर यह कि पहला मसला तो एक जो अभी फ्यूचर में भी आ जाएगा, इट्स अ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो द डे खान साहब इज नॉट गोइंग टू बी विद अस, एंड मे अल्लाह गिव हिम अ लॉन्ग लाइफ, दैट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम इन दिस बॉडी, व्हाट आई बिलीव। नंबर टू, इस क़यादत की सबसे बड़ी मसला यह था कि बहुत एब्सोल्यूट ईवल एड्रेस किया। जब आप बहुत एब्सोल्यूट कह रहे होते ना सबको गलत, बहुत एब्सोल्यूट उड़ाते हो अगले, तो फिर आपकी छोटी सी गलती भी ना बहुत हाईलाइट होगी। लेकिन एब्सोल्यूट मारा जाएगा तभी तो वोट मिलेगा आपको। बहुत जब आप मुतलकन अगले को उड़ाते हो ना, तू सर से पैर तक ही फारिग है। आई थिंक जो एब्सोल्यूट रेफ्यूटेशन था ना सारी अदर ऑर्गेनाइजेशंस का, उसके तहत जो शॉर्टकमिंग्स हुई है ना वो ज्यादा हाईलाइट होना शुरू हुआ। ये बड़ा मसला चल रहा है, तो ये मेरे ख्याल से सीख जाएंगे। बिकॉज़ क्लेम बहुत एब्सोल्यूट, आई थिंक हां क्लेम बहुत एब्सोल्यूट, क्लेम बहुत एब्सोल्यूट। मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट गाय, ही इज सादिक, एंड मे अल्लाह गिव हिम मोर इन दिस वर्ल्ड एंड दुनिया आखिरा। और जो उनकी गलतियां अल्लाह ताला उनको अपने हवाले से जो समझता है वो भी तक, लेकिन क्लेम्स बहुत एब्सोल्यूट थे और थे भी, वो करना भी चाहते थे। लेकिन बड़ी बात ये है कि वो क्लेम्स सदियों के अंदर चेंज होने वाले क्लेम्स हैं, वो तो दिनों में थोड़ी होते हैं, वो सालों में कहाँ होने होते हैं। तो वो तो तब सालों में बहुत काम हो जाता है जब आप मिराकुलसली पहले साल में कुछ ऐसा चमत्कार दिखाते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं यार, तो वो जो थोड़ा सा रोक के भी बैठे हुए थे ना, जब मुसलमानों को उरूज मिला है ना और जब वो आए हैं तो लोग अंदर ना कहीं डर के सहम के बैठे होंगे ना, लेकिन जब मुसलमानों ने परफॉर्म किया ना आगे से, तो वो बेंच की नेगेटिविटी भी दूर होगी कि नहीं यार ये ठीक है। जब पहले ही आपने आप ब्रांड कर दिया कि जब हम आएंगे और ये दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशने हैं जो अजीब दहशत गर्दियों के नाम पर इस्लाम को प्रमोट करेंगे, हम गर्दने काटेंगे, जिंदा जला दिया पायलट को उन्होंने एक जगह के ऊपर, आप इस तरह का प्रो तो वो अगले भी खेलेंगे फिर आपके साथ, मूवियां भी बनेंगी आपके खिलाफ और आपके ब्रांड के ऊपर इस्लामोफोबिया भी चल रहा हो। आपने तो सॉफ्ट इमेज दिखाना होता है ना। एक ये बड़ा मसला आ चुका है कि एब्सोल्यूट रेफ्यूटेशन इज नॉट। तीसरी बात ये कि चलो परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस भी तो 7-8-10 किस्म की होती है मुल्क। एक इदारों के अंदर परफॉर्मेंस चल जाएगी जिसको अवाम को पता भी नहीं होगा, सिर्फ इदारों के लोग जानते हो, ब्रांडिंग तो हो सकता है इदारों को फायदा हुआ हो जो इन लोगों ने किया, लेकिन अवाम का फायदा जो है तो वो अवाम के मुंह से निकले ना, अवाम तो चीख रही है इस टाइम। मेजर मसला तो अवाम, हो सकता है इदारों में काम किया हो, सिस्टम्स में काम किया हो, जैसे केपी में मैं गया था, केपी के लोगों ने बहुत अच्छे रिपोर्ट्स दी खान साहब की परफॉर्मेंसेस के लिहाज। यानी जब अवाम कह रही है ना कि नहीं यार काम किया तो वो है, लेकिन जब अवाम के अंदर ये नैरेटिव कम जाएगा ना भी कुछ नहीं फायदा हो रहा कारोबार में इस तरह की जाएगा, तो वो फिर आपकी मजीद डाइवर्स मुश्किल फैसले जो आप कर रहे हैं ना इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, वो नहीं समझने के काबिल रहेगी, क्योंकि उसका तो रोटी कपड़ा मकान का बेसिक इशू है। ऐसा ही भुट्टो साहब ने यहाँ पर ये चीज उठाई थी ना, उन्होंने बेसिक इशू को एड्रेस किया, इसलिए आप अवाम की शहरक बन गए थे उस टाइम, क्योंकि आपने अवाम के बेसिक इशूज एड्रेस किए। टेक्निकल इशूज में नहीं, आपने अवाम ने फिर आपके टेक्निकल इशूज में अकीदत में मान लिया, उसमें फिर हाँ आपने अवाम का बेसिक के ऊपर जब नारा उठाया ना रोटी कपड़ा मकान, तो अवाम ने जो चीजें वो नहीं भी समझ सकती थी ना उसके भी कबूल और मार्जिन ऑफ एरर भी दिया होगा डेफिनेटली। हाँ, और इसी तरह लेकिन जब यहाँ पर अवाम की बेसिक नेसेसिटी में इश्यूज आ रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ कि पहले साल के अंदर खान साहब की बड़ी जो मसला था वो ये आ गया कि आपने जो इंक्रोचमेंट का मसला कराची में, मतलब आप आए हैं आपके आगे 50,000 मसाइल,
ऑपोजिशन के मसाइल अलहदा थे, सिस्टम के इंटीग्रेशन के मसाइल, आपने आते साथ ही इंक्रोचमेंट का इशू छेड़ दिया। इसने एक बहुत बड़ी पार्टी को इनसिक्योर कर दिया कि भाई सदाकत और अमानत की जो तलवार है ना वो किसी के भी घर पर, हम कब कह रहे हैं हम सारे ठीक हैं, मुल्क में बहुत कम लोग होंगे जो ये दावा कर सकते हैं कि भाईजान हम 100% वाइट हैं, मसाइल होंगे ना। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता कहना ना लोग, एमनिस्टी तो देनी है ना आपने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते साथ ही क्या बोला था फतेह मक्के, जो अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु के घर में जाएगा उसको अमान है। आपने ख्याल रखा हो, अगरचे एक जमाने में उनके साथ जो है जब वो मुसलमान होने से पहले मसाइल होंगे, लेकिन आपने ऑनर किया एक सरदार को एक सरदार की तरह, समझ रहे हैं आप, आपने ख्याल रखा इन चीजों का। आपने ताजिर कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की वो खबरों में चलती है, आपका कराची स्टॉक एक्सचेंज खबरों में चलता है, आपके मईशत के जो वजीर हैं वो आके रोज एक ऐसी, मुझे याद है पहले सालों में अजीब खबरें आ रही थी, आपने इनसिक्योर किया, लोगों ने बैंकों से पैसा निकाल के घरों में रख लिया, ऐसे ही सिस्टम से डर गए ना वो, क्योंकि एम्बिग्यूटी आ रही थी। इन्वेस्टर तो बहुत डरपोक होता है, अनसर्टेन सिचुएशन, इन्वेस्टर तो हर मुल्क का डरपोक होता है, उसे निकाल दिया पैसे। तो आपने जो इंक्रोचमेंट के मामले किए और जिस तरह के किए उस पर कराची में इंप्रेस, तो मेरे ख्याल से प्रायोरिटाइजेशन जो प्रेफरेंसेस थी ना कि पहला कौन से काम को छेड़ना और पैसे कौन से, इसमें बहुत कंफ्यूजन थी पार्टी के, एंड आई थिंक दैट शोज राइट नाउ कि पता नहीं था कि करना क्या और किस तरह करना और क्या प्रायोरिटाइजेशन से करनी है, जिसकी वजह से जो मेन जीत थी ना वो अवाम की जीत थी, अवाम में हार रहे हैं। और हो सकता है अल्लाह ताला वो मेरे नजरिए में गलत हो, लेकिन वो मसाइल इस लिहाज से आ रहे हैं। और जहां तक बात ये है कि यू टर्निंग भी, फिर जो है आपने यू टर्निंग के ऊपर भी बड़ी बात की थी, ठीक है स्ट्रेटेजिकल इशू होता है यू टर्न के अंदर, और वो भी आपने भी किया होगा, वो क्यादत और उनके अंदर होगा। आपने इंटरनेशनल नैरेटिव के अंदर बहुत अच्छी आपकी जीत है, यूएन में आपकी बहुत जीत है, ये अफगानिस्तान के मसले में बहुत बड़ी जीत है जो आपके हक में लिखी जाएगी। बट राइट नाउ द प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इज के सीपैक इज वन ऑफ द क्लैरिटी जो है ना। अच्छा देखें, आप एक जगह आईएमएफ पे फंसे हुए हैं, दूसरी जगह आप चाइना से फंसे हैं। आईएमएफ के पास जाते हैं तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाया जा सकता, फिर वो सूदी निजाम पर अगर आप बात करेंगे तो भाजन फिर तो एब्सोल्यूट वाला तो फौरन करने वाला वो भी किया, वो एक अलहदा सोच है, उसको हम बाद में एड्रेस करेंगे। अभी हम इसी प्रेजेंट को, अभी आप ये मत समझे कि मैं कहता मौलवी से एड्रेस कर रहा हूँ, मैं कहता एनालिस्ट उसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो अगर आप जो है वो यहाँ पर अल्लाह आपका भला करे आईएमएफ पे जाते हैं तो शर्तें लगाता है डॉलर की कीमतों के ऊपर और मसाइल के ऊपर, चाइना के पास जाते हैं तो ऑलरेडी इतना कुछ बिक चुका हुआ है, मुल्क के एहसास से अच्छे खासे बिके हुए हैं, या आगे पीछे हुए या जो भी मामला हुए हैं, तो इधर भी मसला है, इसको भी टोटल एंड नहीं दे सकते। तीसरी एक बड़ी चीज बचती थी पाकिस्तान के अंदर, जो ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी है जो ब्लैक में, वो आप एक कॉन्फिडेंस से निकाल सकते थे और लोग दे देते पैसा, ओवरसीज से तो आ ही रहा था, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीत जाते अगर आप, तो लोग पैसा लगा देते, और वो इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते, जो ब्लैक में वो भी डर गए। इतनी ज्यादा सच्चाई और इतनी ज्यादा अदालत और इतनी ज्यादा इंसाफ और इतनी ज्यादा की बातों से लोग डर गए, घबरा गए, ऐसा ना हो सारा ही चला जाऊंगा, उनकी जिंदगी भर की मेहनत है, लोग इतनी सच्चाई के लिए तैयार नहीं, लोग इतनी सच्चाई के लिए तैयार नहीं थे, और लोग उनके अंदर ये भी था कि आप सच्चे हैं, जरूरी थोड़ी सिस्टम की पूरी ब्यूरोक्रेसी इतनी सच्ची होगी, तो वो ट्रस्ट फैक्टर के भाई वाकई, और आपने कॉम्पिटेंट लोगों को लाने की कोशिश भी की है, बट ही हैज इट इज लेस टाइम फॉर हिज बिगर गोल्स, मे अल्लाह गिव हिम प्लेंटी ऑफ स्ट्रेंथ टू चेंज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, बट राइट नाउ it's not a win-win situation, it's hard for him, he is in honest and he is intentional, especially covid ka mamla sachai hogi khan sahab ke na, magar ye hai ki team jo hai team ki dedication bhi hogi, but phase mein hai mehngai ki jo talwar ka, qaum ka narrative bahut chhota hai, qaum ke narrative ki winning bahut zaruri hai khan sahab ko next election tak ke liye, and that is ya roti kapda manga makan mehngai, अब आप इसको बार बार कहोगे ना पिछली हुकूमतों में ये, तो पिछले पीपल आर सेइंग भाई प्रॉब्लम्स, हमारे मसले का हल ये नहीं है कि आप तकरीर अच्छी करते हैं, मैं अपनी भी बात करूं, मसले का हल आपको एड्रेस करना है, यू हैव टू ब्रिंग रेवेन्यू, यू हैव टू ब्रिंग इजीनेस फॉर द सिस्टम पीपल, और अगर इसके अंदर फिर अमीर अमीर हो गया और गरीब मजीद गरीब हो गया तो ये प्लस में नहीं जाएगी कहानी, ये प्लस में नहीं जाएगी। बहरहाल जो आपका इंसाफ का पहलू था कि मैं इंसाफ को सर्व करूंगा,
और उस तरीके से निजाम को बनाऊंगा जिस तरह से वो होना चाहिए. Well, he's winning over there up till now, but I think so.